से ही बनानी पड़ेगी मजबूरी में। ये राजस्थान में होते हैं वैसे तो, लेकिन मम्मी यहाँ पर पपीता खा रही हैं। सुबह सुबह कितना ज्यादा ट्रैफिक है ये देखो। राव साहब जी ने भी दो ही खाए हैं। फ्रेंड्स मैं मिर्च को कैंची से ही काटती हूँ क्योंकि चाकू से काट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स सुबह हो गई है और मैंने सुबह की चाय भी पी ली है, तो इसके बिना तो काम नहीं चलता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी सब्जी, लेकिन फ्रेंड्स हम ना सब्जी लाना भूल गए थे रात को। मैं अपने दूसरे चैनल राव मंजू किचन के लिए वीडियो बना रही थी और राव साहब जी भी भूल गए सब्जी लाना, तो अब घर में कोई भी सब्जी नहीं है। लेकिन फिर मैंने देखा कि फ्रिज में थोड़े से बैंगन बचे हुए हैं, तो उसकी मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू बैंगन की। लेकिन आप लोग में बने रहना। ये देखिए कुछ तो खराब भी हो रखे हैं, तो इनको मैं काट कर अलग कर दूंगी जो खराब पार्ट है उसको। फ्रेंड्स थोड़ी सी सब्जी बनेगी लेकिन इसमें आलू डालूंगी तो काफी सारी बन जाएगी। राव साहब जी का टिफिन तैयार हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स आलू भी तो ही बचे हैं, आज आलू भी नहीं है घर में। और मैं वैसे तो बेसन की सब्जी भी बना लेती हूँ जो कोई सब्जी घर में नहीं होती है, तो आज बेसन भी नहीं है। तो अभी राव साहब जी सारी चीजें लाएंगे बेसन वगैरह, लेकिन उनका ऑफिस जाने का टाइम हो जाएगा तो मैं सब्जी बना नहीं पाऊंगी, इसलिए थोड़ी सी ही बनानी पड़ेगी मजबूरी में। सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैं इसमें तीन प्याज डाल रही हूँ। वैसे तो मैं तड़के में एक ही प्याज डालती हूँ, लेकिन आज मैं तीन प्याज डालूंगी ताकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाए। फ्रेंड्स आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या बातें कर रही है ये सुबह सुबह, तो फ्रेंड्स अपना मैं डेली रूटीन दिखाती हूँ, तो ये भी मेरा डेली रूटीन है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मम्मी ने अपना पपीता छिलाया, मम्मी ने पपीता खाएंगी। फ्रेंड्स मम्मी पपीता को छीलकर थोड़ी देर के लिए बाहर रखती है क्योंकि पपीता फ्रिज में होता है, इसलिए पपीता के ऊपर थोड़ा सा नमक डालकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसके बाद ये खाएंगी। फ्रेंड्स मैंने आटा भी गूंथ दिया है और अब सब्जी भी थोड़ी देर में बन जाएगी, तो उसके बाद मैं पार्क में जाऊंगी वॉक करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी पक गई है और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। सब्जी कम है लेकिन खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। फ्रेंड्स सब्जी भी बन गई है और आटा भी गूंथ दिया है, लेकिन मैं अभी रोटी नहीं बनाऊंगी राव साहब जी के लिए। जब मैं वॉक से वापस आऊंगी तब मैं रोटी बनाऊंगी, तो अब मैं पार्क जा रही हूँ वॉक पे। ये देखिए फ्रेंड्स मम्मी यहाँ पर पपीता खा रही है। राम राम मम्मा। राम राम मेरा लाल हीरा। वो कहाँ गया है? कहाँ जा रही हो? पार्क घूमने। आ मेरी रानी जावे। ये देखो सुबह सुबह कितना ज्यादा ट्रैफिक है, ये देखो आगे तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। राम राम जी। चार सुमेश, चार सुमेश। इनको क्या हो गया? अच्छा ये आ रहा है, इसके ऊपर भूख रहे हैं। फ्रेंड्स इस जंगल में ना कैक्टस भी है, ये राजस्थान में होते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने आप नहीं उगे हैं, ये लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ की ना धरती इस तरह की नहीं है कि यहाँ पर कैक्टस अपने आप ही उग जाए, क्योंकि रेतीली जमीन में कैक्टस उगते हैं। और यहाँ पर तो देखिए काफी सारे हैं।
फ्रेंड्स अब हमारी हो गई है वॉक पूरी, अब हम जा रहे हैं घर, आपसे घर मिलते हैं। फ्रेंड्स घर आने के बाद सबसे पहले मैंने रोटी बनाई है और अब मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये देखिए राव साहब जी का टिफ़िन तैयार है। फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ चाय, और आज चाय मैं ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी कि मैंने ज़्यादा चाय क्यों बनाई है। फ्रेंड्स जिस पतीले में दूध गर्म करते हैं तो जो नीचे खुरचन लग जाती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कमेंट करके बताना आप लोग भी ये खुरचन खाते हैं क्या। ये देखिए फ्रेंड्स चाय भी तैयार हो गई है। मैंने बड़े कप में चाय डाली है और राव साहब जी की मैंने कटोरी में चाय डाली है, क्योंकि राव साहब जी कह रहे थे कि कप में चाय ठंडी नहीं होगी जल्दी और उनको ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए ठंडी हो जाएगी चाय, कटोरी में मंगवाई है उन्होंने। और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसलिए ही ज़्यादा चाय बनाई है क्योंकि मैं चाय के साथ लड्डू खाऊंगी। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लड्डू है, मेरा तो वजन कम नहीं होगा मुझे लग रहा है है जी, मेरा तो कम नहीं होगा वजन इन लड्डू को खा खा के, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी लड्डू है। फ्रेंड्स राव साहब जी ऑफिस चले गए और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, चाय के साथ लड्डू खाए हैं दो, एक लड्डू से पेट नहीं भरता मेरा, दो लड्डू खाए हैं मैंने, और राव साहब जी ने भी दो ही खाए हैं। तो अब मैं अपना घर का अब जो बचा हुआ काम है वो करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं पौधों में पानी डाल कर आती हूँ और उनको देखती भी हूँ कि वो कैसे हैं, और आपको भी दिखाती हूँ कि वो कितने बड़े हुए हैं। फ्रेंड्स मुझे नहीं लग रहा कि वो बड़े होंगे या उनमें कुछ बैंगन या खीरे कुछ लगेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही दिख रहे हैं, इतने दिनों से बढ़ ही नहीं रहे हैं। और फिर पौधों में पानी डालने के बाद मैं अपने बेटे के लिए कुछ बनाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि सब्जी तो मैंने ज़्यादा बनाई ही नहीं है, बैंगन आलू की सब्जी बनाई है और बहुत कम है। तो वो कह रहा था मामा मेरे लिए चीले वगैरह कुछ बना दो, तो पौधों में पानी डालने के बाद देखती हूँ उसके लिए क्या बनाती हूँ, लेकिन आप लोग में बने रहना। ये देखिए फ्रेंड्स ये अभी भी छोटे छोटे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं, ये देखिए अब पता नहीं ये बड़े होंगे कि भी नहीं, इनको काफ़ी दिन हो गए उगे हुए लेकिन ये अभी भी छोटे छोटे हैं। इनमें यदि खीरे और बैंगन लगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स अब मैं बना रही हूँ बेसन के चीले, तो मैं लोहे के तवे पर ही चीले बनाऊंगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह से आप ये चीले बनाएंगे लोहे के तवे पर तो चिपकेंगे नहीं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। पहले ये बैटर तैयार कर लेती हूँ, ये जो बेसन का बैटर है इसमें प्याज हरी मिर्च ये सारी चीज़ डालूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स मैं मिर्च को कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि चाकू से काटती हूँ तो मेरे हाथों में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं मिर्च को हमेशा कैंची से काटती हूँ। और यदि मुझे चाकू से काटना पड़े मिर्च को तो मैं हाथों पर पहले सरसों का तेल लगाती हूँ उसके बाद ही मिर्च को काटती हूँ, लेकिन मैं डेली हरी मिर्च को ऐसे ही कैंची से ही काटती हूँ, मुझे ऐसे ठीक लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स बैटर इसका तैयार कर लिया हमने, इस तरह का होना चाहिए, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज्यादा ही पतला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लोहे के तवे पर चीले बनाते हैं नॉर्मल लोहे के तवे पर। तो फ्रेंड्स मैंने ये नॉर्मल लोहे का तवा लिया है जो सभी के घर में होता है, के ऊपर क्या करेंगे थोड़ा सा घी डाल देंगे, थोड़ा सा तेल भी ले सकते हो आप, मैंने घी डाल दिया, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना, चारों तरफ फैला देंगे, एक्स्ट्रा घी को निकाल देंगे। एक्स्ट्रा घी है इसको निकाल देंगे। अब इस तवे को एक मिनट के लिए गर्म करेंगे, लेकिन गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। घी डालने के बाद गर्म करने से होगा ये कि ये तवा नॉन स्टिक बन जाएगा और चीज़ें इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। यदि आप ऐसे ही डाल दोगे, मतलब फटाफट से बैटर डाला, थोड़ा सा घी लगाया उसके बाद ही फटाफट से बैटर डाल दिया, तो वो बहुत जल्दी चिपक जाएगा,
लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा चीला बनेगा आपका। जब ये तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसमें ये बैटर डाल देंगे। जितना मोटा पतला आप चीला रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से उसको फैला सकते हैं, और बैटर ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि यदि हम ज़्यादा मोटा चीला बनाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए मीडियम साइज़ का बनाना चाहिए चीला हमेशा। इस तरीके से ना ये तवा नॉनस्टिक बन जाता है। जैसे तवे को गर्म करके उसमें घी लगाएंगे ना थोड़ा सा, तो जब वो गर्म होगा तो जैसे नॉनस्टिक काम करता है वैसे ही ये लोहे का तवा काम करेगा। तो आप आगे से ऐसे ही बनाना, जब भी आप बेसन के चीले बनाएंगे तो आपके चीले कभी भी नहीं चिपकेंगे। एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। जब ये थोड़ा सा सीख जाएगा ऐसा लगेगा ना ऊपर से हल्का सा ड्राई हो गया, तो अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा देसी घी लगा देंगे। आप तेल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पलटे से पलट देंगे। ये देखिए इसके किनारे कितने आराम से निकल रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आराम से बन जाएगा ये। ये देखिए बिल्कुल भी नीचे पक रहा है। पिट लीजिए अच्छे से, इसे दूसरी साइड से भी ये लगा देंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है चीले बनाने में, वो अच्छे से बना नहीं पाते हैं, तो इस ट्रिक से बनाएंगे तो हमेशा उनके चीले परफेक्ट बनेंगे। दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है। फ्रेंड्स मेरा सारा घर का काम खत्म हो गया है, तो अब मैं नहाऊंगी और इस वीडियो का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।